जी भाऊ। हेलो। जी बताए। जी हाँ, भाऊ कौन है? बोलिए। जी, मैं सोहेल बोल रहा था। ये बात कर लेते आप, ये थोड़ा वो लड़की परेशान रही। कौन से? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एमपी मंडला से। यहाँ पे मैं एमपी? आपका ग्रुप चलाता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल जी रहे हो? जी 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 मेरे आप ट्रू कॉलर पे देख ही लिए होंगे। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो ना भाई, क्या जी क्या दिक्कत है? ये बात कर लीजिए आप वो लड़की से। अच्छा, हेलो। हेलो हाँ हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए मैम। मेरा नाम मेघना सोनवानी है। क्या मेरा नाम मेघना सोनवानी है। मेघना मेघना सोनवानी सोनवानी? जी अच्छा बोलिए। सर, देखिए, मतलब बहुत फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अच्छा, तो मैंने यूं ही इंस्टा पे देखा, वो पेंसिल वर्क जो रहता है ना, अरे बाप रे, वो तो फ्रॉड है मैम। उसमें मैं फंस गई सर। अरे यार, एक बार उन्होंने बोला कि मैम सिर्फ 520 रुपए लगेंगे। इसी के वास्ते मेरे नाम से ना तुम्हारे को टाइम मिलेगा तो जब आपको, एक बात नहीं, अब मैं तुम्हारे को हर एक बात बता दूं। कम से कम 10 से 15 वीडियो में डाल चुका हूँ। ये नटराज पेंसिल के नाम से ना, इनके जी भयंकर साले, ये लेडीज को, जेंट्स को, किसी को भी जो गरीब इंसान, सब इसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब इंसान ही फंसते हैं। बरोबर तो सर, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही, सिंपल चीज है, घर बैठे करना है, सीधी कमाई है करके मैंने सोचा करके देख लेती हूँ। हाँ। मैं बाहर रह के पढ़ाई करती हूँ और मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद का खर्च निकाल लूंगी, मम्मी पापा को परेशान नहीं करूंगी और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दूंगी। उन्होंने मुझे इतना बेकार फंसाया, पहले बोला कि सिर्फ आपका वो लगेगा, क्या आपको सिर्फ 520 रुपए देने हैं रजिस्टर फीस के लिए, बस हो गया। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद दूसरे दिन बोलते हैं कि आपका माल डिलीवरी करना है, डिलीवरी बॉय निकल गया है, लेकिन आपके लिए जीपीएस का वो क्या कहते हैं, ट्रैकर की क्या वो करना है, ताकि आपका माल आपकी जगह पे सही सलामत पहुंच सके, उसमें आपको लगेंगे 1,999 रुपए। हाँ, ठीक है, वो मैंने किया। फिर बोलते हैं मैडम आपने एक साथ कर दिया, आपको 1900, मतलब 1,900 अलग करना था और 99 अलग करना था, ऐसा बोल के फिर वो करवाए। फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि मैम आपने किया तो, लेकिन टाइम अप हो गया है, प्रोसेस नहीं बढ़ रही है, आपको अब वो फाइन देना पड़ेगा, उसके लिए 3,000 वो लेंगे। फिर अभी सुबह से क्या बोलते हैं कि मैम आपका 7,000 से ज्यादा का बिल हो गया है, अब आपको 5,000 वो देने हैं, क्या 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 था, 5,150 इतने पैसे और लगेंगे, वो जीएसटी लग गया है कर। वो भी मैंने कैसे भी करके दिया, मेरे पास पायल थी, मैंने पायल गिरवी रख दी। एक मैंने ऐसे एक छोटे से सोने का गले का वो करवाया था, वो रहती है ना मंगलसूत्र आपके पत्ती, वो मैंने गिरवी रख दिया, फोन रखवा दिया। उस चक्कर में मैंने इतना कहा जाए तो 12,500 करीब दे डाली। और अब आखिरी में बोलते हैं कि मैम आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब वो फाइल जो रहती है, फाइल का काम करवाना है, उसका कंप्लीट होके आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, उसके लिए वो मेरे से 10,000 मांग रहे हैं। मेरे पास इतना ही पैसा होता कि मैं 2 दिन में इतना पैसा कर पाऊं, तो सर मैं वो काम ही क्यों करती, सिंपल काम क्यों ढूंढती। मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे नहीं पता कि मैं घर पे क्या बताऊंगी। मैंने सोचा था कि घर वालों की हेल्प हो जाएगी, मैं तो उल्टा के फंस गई हूँ। भैया ने बोला आपका नंबर दिया और बोले इनसे बात करो, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेघना मैम, रो मत। और एक बात, ये टोटली जो ऑनलाइन के बाबते में जो फ्रॉड करते हैं ना, ये साले बहुत ही हरामखोर साले। आपको नहीं तो बहुत लोगों को फंसा चुके हो। और और जो कितने टोटल क्या भरोसा पैसा, दिलाने के लिए वो, क्या उनके नाम की आधार कार्ड, पैन कार्ड और कौन कौन सी आईडी दे दी है मुझे? नहीं, टोटली वो डुप्लीकेट रहता है उनका। वो मैंने ध्यान से देखा तो पैन कार्ड तो है ही नहीं, पैन कार्ड जैसा। टोटली फ्रॉड रहता है ये, फ्रॉड हो। कितने तुम्हारे साथ कितने जन बातचीत करे हो? हर बार एक कॉल पे कोई अलग ही इंसान बात करता था, तो बोलते थे मैम ऑफिस का नंबर है इसलिए हम लोग बदल बदल के बात करते हैं, कोई एक ही इंसान नहीं बैठ पाता है वहां पर, ऐसी बातें करते हैं। ये सब दिल्ली से सब लोग को फंसाते, पूरे पूरे हर एक राज्य में लोगों को, वो लोग हाँ, दिल्ली से है। दिल्ली से फंसाते बोलते सब, पूरे 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 दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, ये लोग पूरे भारत में हर एक जो गरीब इंसान को, इसमें ज्यादातर गरीब इंसान फंसते।
हाँ ना सर, क्योंकि लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते सीधा रास्ता ढूंढते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। राइट राइट मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई। मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, उनको बताऊंगी तो वो मुझे चिल्लाएंगे कि तूने ये सब किया क्यों करके। अच्छा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टोटल कितना पैसा भेज के तू? देखिए पहली बार मैं 520 दिया था, और उसके बाद मैंने दो बार दिया है 199, दो बार 1999 दो बार तक दिया है। एक उसके हफ्ता। पास उसके बाद मैंने 3150 दिया है, फिर उसके बाद अभी 5150 दिया है, और अब बोलते हैं 9999 दीजिए। टोटल 10 10 10 हजार भेज चुकी तू उनको। 10 का ही को सर 12,000 हो गया। 1 1 1 हजार 999 99। हाँ राइट, 12 हजार रुपये। टू टू कब की बात है ये? सर अभी एक दो दिन, अभी की बात है, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, वो मेरे को 10,000 मांग रहे हैं, मेघना और ये कल से ही हो रहा है, उससे पहले से नहीं हो रहा मेघना एक बात सुन मेरी, है जी। उनको 1 रुपए का बंदा नहीं भेज, और तेरे को कुछ जो तेरा जो डॉक्यूमेंट है उनको भेज चुके हैं तू, और हाँ तेरे को और डराएंगे उन्हें। क्या बोलोगे मालूम है कि तेरे को, तुम्हारा जी डॉक्यूमेंट मेरे को भेज चुके हो, तुम्हारे पैसा मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बहुत तुम्हारे को अलग अलग तरीके से बात करेंगे तुम्हारे को। जी हाँ इसके आगे तुम्हारे को डराएंगे वो। हाँ हाँ तुम्हारा आधार कार्ड ऐसा कर दूंगा मैं, वैसा कर दूंगा, डर को जी तुम ऐसा उनको पैसा भेजने भेजो मत, कुछ नहीं करेंगे वो, कुछ जी नहीं, कुछ नहीं कर सकते वो। मैंने हाँ उनसे हाँ बोला कि सर मुझे काम नहीं करना है, आप और एक एक काम बात, कीजिए, जो और एक पैसे मैंने बात, दिए वो वापस कर दीजिए। कहते मैडम यदि आपको वैसा भी चाहिए तो 10,000 देना पड़ेगा, तब वो फाइल कंप्लीट होगी तब हम आपको भेजेंगे, कहते हैं। बहन चुक साले, बहन के टके साले, उनके बहन का भोसड़ा, 1 रुपए नहीं भेज सकते हो। और एक बात, जो तुम्हारे बैंक का डिटेल्स, तू डिटेल दे चुके तू क्या उनको? बैंक डिटेल मैंने सिर्फ पैसे ट्रांसफर किए हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे को कोई जरा ओटीपी वगैरह कुछ आया तुम्हारे को जरा बताया ना, तो वो ये भी बात बताने का नहीं। हाँ और एक बात उन्होंने मेरे से, हाँ ओटीपी वगैरह उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा है और एक बात बोल रहा हूँ इसके आगे का, जी। हाँ इसका आगे का बोल रहा हूँ, तुम्हारे को डराएंगे। क्या डराएंगे, कौन सी बात में, कि तुम्हारे को बोलेंगे कि अब तुम्हारे को हर तरह की, तुम्हारे को अभी इतना पैसा भेजो उतना पैसा भेजो उनको हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारे। था कि तुम्हारा आधार कार्ड और क्या डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, हाँ हम हाँ कंप्लेंट कर देंगे। हाँ हाँ कुछ कंप्लेंट नहीं, उनके बाप का है क्या कंप्लेंट करने को, उनके चुपे लोगों को डराते रहते हैं, कोई कुछ सर नहीं कर मेरे सकते। पैसे वापस हो पाएंगे क्या? मेघना मैम तुम्हें, तुम्हारे को मैं और एक बात बता चाहता था, वो हराम खोर साले पैसे नहीं रिटर्न कर सकते, ये तुम्हारे को इतना ध्यान देता हूँ। और एक बात, उनको फोन, उनका जो फोन आया तुम्हारे को, ऐसे ही तरह गालिया देना कि उसकी जिंदगी में किसी को, किसी के मुंह से सुना नहीं चाहेगा, ऐसा गालियां दे। ठीक है उनका नंबर बताओ उनको मेरी तरफ से, अच्छा धड़ा सीखा इसी के वास्ते। मैं मेरे यूट्यूब चैनल, FB चैनल पर मेरा यूट्यूब है, वीडियो है मेरा, कि ऐसी बातों जी से दूर रहो उनको, या ऐसे फ्रॉड बातों से दूर रहो उनको। बहुत तो जो तुम्हारे जैसे इंसान बोले तो भारत में कितना इंसान को फंसा दे जाएंगे, हैं बहुत बहुत। जी ज्यादातर गरीब इंसान है फंसते इसमें तो मेरा पैसा वापस नहीं हो पाएगा किसी भी वापिस। तरह से। मेरे तरह से प्रयास करूंगा, देखेंगे प्रयास करने के बाद देखेंगे क्या बोलते हो। ठीक है नंबर बताओ उनका। जी सर 1 मिनट, मैं नंबर बता रही हूँ। इसके आगे उनको कुछ 1 रुपए मत भेजे ना, क्या सर उनको 1 रुपए मत भी भेज बोला, अब नहीं भेजूंगी सर, 10,000 बोला, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरे पास है ही। 10 हजार मांगे ना, तो अच्छी अच्छी तरह उसको तेरी भाषा में गालियां दे उसको, जी कुछ नहीं कर सकते वो, फ्रॉड रहते वो, टोटली फ्रॉड रहते, कुछ नहीं, एक बाल बाका नहीं कर सकते वो। जी मैं आपको नंबर बताऊं? हाँ बताओ नाम क्या, 60 उनका नाम क्या बता रहते हो, नाम भी तुम्हारे को फ्रॉड बताया चिंगा, विजय कुमार, विजय कुमार उसने सिंह, राकेश नाम बताया, उसने आधार कार्ड राकेश करके भेजाया, क्या नाम बता रहा था? राकेश। मैं आपको पूरा, उसने जो सर्टिफिकेट जो मेरे को दिया था सर्टिफिकेट वगैरह वो सब दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा राकेश सरनेम उनका, राकेश राकेश क्या था सर ने, एक मिनट देख रही हूँ। कुछ सिंह विंग वगैरह चाहिए, राकेश कुमार अचिंगा, कुछ तो फ्रॉड रहता है नाम, कोई उनका ओरिजिनल नहीं रहता। जी देखो राकेश कुमार करके था सर मैं बताया तुम्हारे को, राकेश कुमार, जी, राकेश ऐसे नए लोगों को पकड़ देते। राकेश सोहेल कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या सोहेल? जी।
अच्छा सोहेल वहां का, मध्य प्रदेश। सोहेल भाई तू काम करते क्या अपना ग्रुप का? जी करता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से जितना होगा उतना मैं मदद करूंगा। मैं नंबर बताओ फ्रॉड आदमी का। जी मैं हेलो, बताऊंगी। हाँ भाई राकेश कुमार बोल रहा है। यस हाँ भाई, नटराज पेंसिल के बारे में आपके पास से जानकारी चाहिए। अच्छा जी बोलिए। तो मेघना के पास से कितना पैसा लिया भाई? मेघना के पास से हाँ, वो एक गरीब लड़की है भाई, उसका पैसा रिटर्न कर दिया, ऐसे कि उन लोगों को वो लोग बनाते अरे हैं। भैया वो उसका फाइल चार्ज बचा हुआ है, जैसे ही फाइल चार्ज जमा हो जाएगा ना टोटल अरे नटराज पेंसिल क्या अमाउंट उनको रिटर्न हो नटरा जाएगा। हाँ एक मिनट नटराज पेंसिल क्या तेरी बाप की कंपनी है क्या? भैनचोद साले, तेरे बहन का अरे भोसला, काल तेरे बदतमीजी से बात तेरी नहीं। बहन का दाना, तेरे बहन का भोसला, तेरे हिजड़े जैसा पैसा कमाना भोसड़ी के, अरे हिजड़े जैसा पैसा। हेलो मेघना, जी वो दूसरा फ्रॉड वो जो गाड़ी वाला वो फोन नहीं उठा रहा, जी हाँ वो जो पहला नंबर दिया जी उसको बहुत अच्छी तरह मेरी तरफ से गालियाँ दे उसको, आनी ऐसी फ्रॉड बात में मैंने आनी क्या बोलते उसको, क्या लोग सर ज्यादातर गरीब इंसान फंसते हैं ये बात में, बरोबर। जी ऐसी बातों से दूर रहो, फ्रॉड बातों से। कान और पकड़ ली सर, एक बार गलती हुई दोबारा कभी नहीं करूंगी। हाँ वो इस बात बोल रहे हो, और हर तुम्हारे को कॉल वगैरह आएगा उनका, और जी 1 रुपये मत भेजो, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे को धमकी देगी, तुम्हारे को कुछ क्या भी करे तो आटो तुम ब्लॉक में डाल दो उनका नाम। जी ऐसी बातों से दूर रहो और 1 रुपये मत मत भेजो उनको। हाँ मेरे पास एक और नंबर है जिसमें मैंने अकाउंट में पैसे भेजे हैं। अकाउंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें पुलिस जी कंप्लेंट करने की भी बात है, पुलिस भी ज्यादातर इंक्वायरी कर नहीं सकते, क्यों? उनके फ्रॉड रहते ज्यादातर। जी बार बार लोकेशन बदलते रहते, उनके वहाँ का बहुत जी फ्रॉड रहते। तुम्हारे को मैं रिपोर्टिंग भेजता, देखो उनको कौन सी बात में उनके साथ बातचीत करा, और तुम्हारे को कोई भी कौन सी बात में तुम्हारे को डराएंगे धमकाएंगे तो 1 रुपये मत भेजो उनको। हाँ तुम्हारे को कुछ तो अलग बोलेंगे कि तुम्हारा फाइल तैयार होगा, तुम्हारा ये नटर कुछ वगैरह वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जेड अब क्या बोलेंगे तुम्हारे को। मैं सुनाऊंगी ना उनको कन्नड़ हाँ वाली राइट, लैंग्वेज में, तब हाँ राइट, ये बात तुम खुद एक देखते कॉन्फिडेंस, तुम्हारे साथ में तुम्हारे एक मन में कॉन्फिडेंस रख दो, आने के फुआ तो ऐसी तरह बात करो ना उनके, उनके जिंदगी में किसी की बात नहीं सुननी चाहिए उन्हें। हैं। जी ऐसी बातों से दूर रहो, ठीक है? जी ओके ओके हेलो हेलो भाई, जी भाऊ हाँ बोल ना। जी। तो ये तो फ्रॉड ही समझ पे आया मेरे को। हाँ टोटली फ्रॉड है भाई, ये टोटली फ्रॉड, ऐसी तरह फ्रॉड है ना तू समझ भी नहीं सकता। जी अब ये रोज बच्ची रोज क्या तुझे पूरा तुझे सामान। तू बोल रहे, हाँ मैं एक महाराष्ट्र में से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट छोड़ रहे से गांव से, मैं आज पूरे भारत भर में काम करता मैं, बरोबर। जी मेरे को मालूम, मैं तो खुद ताना जी से जालंधर भाऊ से मिल के आया हूं ना भाऊ। अच्छा, कोई बात नहीं अच्छा भाई। हाँ मैं एक बात बोल रहा ना, अपने जी जो नजदीक के जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना, ऐसी बातों जी से दूर रहने को बोलो। ये जी जी फ्रॉड जी ज्यादातर अब ये क्या है, एकदम से आई मुझ। ये फ्रॉड हाँ बातों में ज्यादातर गरीब इंसान फंसते। जी तो भाव इसका पैसा तो गया समझ लो। मैं पैसा गया तो फ्रॉड रहते हैं, वो आप तो अपुन उनको खुद पैसा भेजे तो पैसा रिटर्न कर देंगे वो। कहाँ कर देंगे भाव, अब ये कम से कम 12-13 हज़ार पहुंचा दिए इधर वही उधर से बोल रहा ना, सामान बैठे रख बैठे रख के। जी बैठे बैठे कमा रहे वो लोग, उनको काम करने की जरूरत नहीं, उनको थकने का जरूरत नहीं, ये फ्रॉड है जी साले, उनको वो पैसा बचने वाला नहीं हो। जी अब ये ये पूरा सामान रख दी भाऊ अपना, क्या बताऊं मैं। ठीक है, मेरे से जितना होता उतना मदद करता भाई, तो वो सामने वाला फ्रॉड रहता है, इसी वास्ते मैं यूट्यूब पे एफबी पे यूट्यूब वीडियो डाल चुका हूँ कि ऐसी बातों से दूर जी रहो बोल को मैं। जी जी मैं देखता रहता हूँ भाऊ, मैं पूरा मतलब अपना फोकस अपने ग्रुप पे ही रखता रहा। अच्छा, कोई जी बात नहीं, तेरे तरफ से भी जितने तेरे फ्रेंड लोग हो तुम्हारी तरफ से, तो जितना उनको उन लोगों जी को सावधान करने बोलो, तो बोल तो उनको ऐसी बातों से दूर रहने को बोलो। जी भाऊ ज्यादातर गरीब इंसान फंसते हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा गरीब है भाऊ, वो यहाँ पड़ती है भाऊ किराए से रह के, ये मुझको मेरे को बताई दिक्कत ना आती ये है ना बार बार, गरीब इंसान फंसते हैं इसमें। जी। और पापा उसके खेती किसानी करते हैं यहाँ पे, ये अकेले पड़ती है, वो पैसे पहुंचाते हैं अच्छा जब तो इसकी फ्रेंड, तुम्हारी पढ़ाई। फ्रेंड है क्या वो? जी फ्रेंड है अच्छा मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा तू अपन काम करे उतना तू भी तेरे तरफ से ग्रुप की तरफ से उसको मदद कर दे कुछ तो, ठीक है? जी जी वही जितना मैं अपनी अब तरफ से उससे मैं बोला जितना तरफ अपनी तरफ से जितना मदद होता है वो मदद करता था, तो सामने वाले जी फ्रॉड है भैंचोद साले, उनको चाहता मैं अच्छी तरह सबक सिखाए, मैं तुम्हारे को रिकॉर्डिंग भेजता दे तुम्हारे नंबर पर। जी जी मैं तो आपको पूरे वो डॉक्यूमेंट तक सेंड कर दिया रहा, उसके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट पैन टोटली कार्ड। फ्रॉड रहते हैं, वो भेजने जी की मैं जरूरत ही जैसे नहीं ही है। देखा ना, मैं ओरिजिनल से मिलाया उसको, मेरे पास ओरिजिनल रखा रहा सब पैन कार्ड सब चीज, तो मैं अच्छा अच्छा मिलाया तो उस पे मेरे को डिफेक्ट लग गया, हाँ वो तो टोटली मैं फिर फ्रॉड आया रहते इसके हैं। पास, इसी को बताया, मैं बोला जी सचिन भैया है, मैं बोला मेरे ग्रुप के हैं, उसको दिखाया पूरा हिसाब किताब मैं।
हाँ मिला, इनको सर्च मार के देख ले ज्यादा हो तो तू पहले, और फिर बात कर इनसे, मेरे पास नंबर है महबूला भैया का। हाँ क्या मेरे पास सबका नंबर है ना भाऊ? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ और एक बात बोलता तेरे को मैं, जी कि जो अपने फ्रेंड लोग हो ऐसी बात में ज्यादातर गरीब इंसान फंसते, ऐसा बात जी से जी ज्यादा जी दिक्कत देते हैं गरीब इंसान को, तो सावधान करने जी लगा सबको। हम सावधान में ऐसी बातें से दूर रहने लगा। ठीक है भाई, जी जी जय टाइगर भाऊ, जो जेट, भी होगा बताइए आप फिर, ओके ओके, जेट है, ओके। जय टाइगर।